नमस्कार, मैं मनीष श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार में ZIIEI के इस प्रोग्राम में फिर आपसे एक नए नवाचार पे हम बात करेंगे। ये नवाचार हमारा सामुदायिक सहभागिता की केस स्टडी से लिया गया है और ये यूपी के टीचर्स द्वारा दिया गया एक नवाचार है। नवाचार के बारे में बता दूं, आज का जो हमारा नवाचार है वो है सुपर मॉम। सुपर मॉम क्या नवाचार है, जैसे नाम से प्रतीत होता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में जाते हैं। तो अक्सर हमारे ग्रामीण प्रवेश में या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल में टीचर्स की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि बच्चे सही तरीके से स्कूल में नहीं आते, बच्चे सही तरीके से ड्रेस में नहीं आते, कोई बच्चे बाल नहीं कटवाते, मतलब एक प्रॉब्लम सी होती है कि बच्चे मतलब उनको उनके पेरेंट्स को भी टीचर बहुत समझाते हैं लेकिन वो चीज़ उनके अंदर नहीं हो पाता है कि किस तरीके से वो बच्चों के अंदर ये चीज़ सिखाएं। तो इसके लिए हमारे टीचर्स ने जिन्होंने आइडिया दिया उनके दिमाग में आया कि क्यों ना अगर हम बच्चे जब घर से आते हैं तो उनके पेरेंट्स तो उनको देखते हैं कि मेरा बच्चा बिना नहाया जा रहा है या उसके जूते नहीं है या इसके नाखून बड़े हैं, तो अगर इस कंडीशन में भी वो पेरेंट्स उसको अलाउ कर रहे हैं स्कूल में तो कहीं ना कहीं बच्चे से ज़्यादा जिम्मेदार पेरेंट्स हुए। तो अगर हम पेरेंट्स को ही एक स्कूल लेवल पे उनको उनके बच्चों के काम के प्रति उसको ज़्यादा एक उत्साहित करें, खास तौर पे उनकी माँ को, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। इसके लिए उन्होंने एक किताब रखा सुपर मॉम, जो एवरी मंथ उन मदर को दिया जाता है जिन मदर के बच्चे पूरे स्कूल में पूरे मंथ साफ सुथरे और सही तरीके से स्कूल में आते हैं। तो सुपर मॉम में क्या होता है कि टीचर बच्चों को देखते हैं कि पूरे क्लास में कौन ऐसा बच्चा है जो सही ड्रेस सही तरीके से वेल ड्रेस पूरे अच्छे से मेंटेन से वो पूरे मंथ आ रहा है। उस बच्चे के माँ को मंथ के एंडिंग में बुलाया जाता है, उनको पूरे स्कूल पूरे पेरेंट्स के सामने सभी बच्चों के पेरेंट्स के सामने सुपर मॉम का एक खिताब या बैच या मुकुट जो भी है उनको पहनाया जाता है और उनके लिए एक बहुत गर्व की बात है कि आज इतने बड़े लेवल पे उनके बच्चे की वजह से उनको इतना सम्मान मिला। और वही माँ अगर अपने एरिया में जाते हैं, अपने घर पे जाते हैं, अपने गांव में जाती है तो और भी जो उनके आसपास की लेडीज है उनसे बहुत ज़्यादा उत्साहित होती हैं कि मेरे बच्चे भी जाते हैं स्कूल, अगर मैं भी अपने बच्चे को सही तरीके से भेजूँ तो ये खिताब अगले मंथ मुझे मिल सकता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये खिताब उनको क्यों मिला है। तो इनसे उनके अंदर एक कंपटीशन की भावना आती है और सभी अपने बच्चों पे अच्छे तरीके से भेजने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो टीचर्स की एक प्रॉब्लम थी उसका सलूशन भी बहुत आसान तरीके से हो जाता है। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।